PNO मीडिया ग्रुप नाल जुड़े सारे सज्जणा का स्वागत। दोस्तों असी स्वागत एक बार फिर करते हैं मेला जागदे जुगनुआ का। बठिंडे दे विच लग्या होया चार दिनों का यह मेला है। इस मेले च शहद मिलता, साहित मिलता, चंगे लोग मिलणगे, चंगी चीज़ा मिलणगियां। ते अज पहला शब्द की गल करते हैं, शब्द गुरु के नाल जुड़न की गल करते हैं, तो सानू उड़े तो लैके जुड़े तक की गल पले पैंदी है। पहला किताबां की गल, फिर स्वादां की गल, तो उस बाद संवाद की गल। आओ चलिए मेले दे विच। मेले की गल चलती है तो जी किताबां दा मेला, तो पबलिशर आए हुए ने, बुक सैलर आए हुए ने, तो इस वक्त अमृतवीर अपने नाल शामिल है। हाँ जी, स्वागत बठिंडे दे विच ते मेले दे विच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तुसी पिछले बार भी आए सी, इस बार भी आए हो, की फर्क लगता है कि बठिंडे दे विच जां पंजाब दे लोकां दे विच साहित दी चिणग वध रही है? कंपैरिजन नहीं, सिर्फ इन जनरल ना जी, मैं हमेशा ये फील किया कि जो बठिंडा वाली साइड आई ना, पहला भी हूँ 3 साल हो गए सानू ये काम करदे आ, पहला भी बठिंडे वाले तो आईदा, बठिंडा च रिस्पोंस बहुत वधिया आंदा, मतलब खुशी होंदी है कि एनकरेजिंग रिस्पोंस मिलता है, भी लोकी किताबां वल रुझान हैगा, पढ़ते हैं। तो ग्रैजुअली मैनू ये लगता है कि हर साल जो ज्यों ज्यों अगे प्रोग्रेस करते हैं, जे तुसी 5 लोगों को किताबा वेच के जाते हो वो अगे पास ऑन करेंगे, तो इस साल क्योंकि आज हाले सेकंड डे है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि पिछली बार नालों बेटर ही होएगा रिस्पॉन्स। पढ़िया की जा रहा है जी, लोग की कुछ पढ़ते हैं तुहाडे स्टॉल दे उत्ते, काफी टाइटल पए मैं देखदा। बहुत वैरायटी है जी, अलग अलग है। हुण साडे कोल क्योंकि इंग्लिश सैक्शन भी है, काफ़ी बुक्स है इंग्लिश की वरायटी, जिहड़ियां सीरीयस रीडिंग है, हिस्टरी, नॉन फिक्शन, फिलोसफी दे रिलेटेड बहुत सारिया है, सॉल बेलो, सिगमंड फ्राइड, इदां दीयां बुक्स भी है, पंजाबी जनरल रीडिंग भी है, हिस्टरी भी है, प्लस बच्चों का साडा सैक्शन बहुत वड्डा है, बच्चों की बहुत वरायटी है, बच्चों नूं बड़ियां अपील करदी है। हुण आम एक होंदा कि जे कलरिंग बुक्स सामने पई है ना, तो बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है कि मैं कलरिंग बुक ले लां, पर जिवें हुण वैरायटी असीं जिन्नी ज़्यादा डिस्प्ले कर देंगे, मैनूं ये लगता कि उन्ना ही रिस्पोंस बैटर हो जाता है, उन्हां दे सामने आ गई ना चीज़ कि हाँ भी ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। बस एक चीज़ फील होंदी है मैनूं कि अपने कोल पंजाबी च इन्नी वैरायटी नहीं है, बहुत गरीब हाँ जी, बहुत ज्यादा गरीब हाँ। तुसी इंग्लिश दा अगर देखो ना, कोई अंत ही नहीं है, हाले तां ये भी समुंदर च बूंद होएगी जिन्ना कुछ अवेलेबल है बच्चों का। मापे फिर बच्चों लैके दे रहे हैं किताबां जी इस मेले च, पिछले बार दा तजुर्बा जी दस्सो। देंदे आ जी, पर मिक्सड रिस्पोंस है, मिक्सड इदां। मैं ना बाय प्रोफेशन टीचर सी, जॉब मैं हुणे रीसेंटली छड्डी है, तो मैं एज पेरेंट तो एज टीचर जो फील होंदा होंदा, मैं ब्लेम पेरेंट्स नूं कर रही हाँ। हुण टोटल ब्लेम मेरा इस टाइम तो पेरेंट्स से है, पिछले साल 1.5 साल तो उहदा कारण है। आपां ना जदों हुण एज, मेरी बेटी 11.5 साल की है, तो मैं हूँ वो ये चिंता है कि वह टीनेजर वल जा रही है, तो वह किड़े मतलब किस टाइप के बच्चों से वड्डी हो रही है। जो मैं वो चिंता करती हाँ, तो मैं पेरेंट्स का रिस्पोंस दिखता ना, पेरेंट देखता एक किताब चुकी, अच्छा ये 150 प्रिंट है, किन्ने की मिलेगी जी, अच्छा 120 महंगी है, कोई होर सस्ती नहीं हैगी। तो मैं उदो शर्म यह आती है उन्होंने रिस्पोंस से कि आप बेंचमार्क की बनाया हो सिर्फ रेट, यदा मतलब कि जो 20 रुपए का थानू कुछ मिल रहा है तो वह ठीक है, 120 वाला नहीं। उन्होंने ना कंटेंट देखना, ना चीज़ की क्वालिटी, ना प्रिंटिंग। कुछ केसिस होंगे है बच्चा बेचारा मंगता रह जाता किताब, पेरेंट्स नहीं लैके देंगे, बड़ा बुरा लगता है। पर महंगे मोबाइल बच्चा की जिद करके ले रहे हैं ना, कई चीज़ा और हो रही है। इस तो 4 साल बाद जो बच्चा फोन मंगेगा, फोन दे 100 बहाने देगा, मैनू जी वो मैं पढ़ाई करनी होंगी है सब तो ईजी एक्सक्यूज, वो फोन लै देंगे, उन्होंने 15,000 का लै देंगे, 150 की किताब नहीं लैके देंगे, पर वो भुगतते असी हाँ एज पेरेंट्स, एज सोसाइटी असी भुगतांगे अज तो 10 साल बाद। बिल्कुल, तो बड़े वाजब तुसी सवाल चक्के ने जी, बाकी देखदे हैं कौन केड़ियां किताबां चक्कदा जी। हां जी, मेहरबानी जी, थैंक यू।